तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल तीसरा और आखिरी T20I मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले उमरान मलिक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। मे बी पॉसिबल कि कल आपको उमरान मलिक खेलते हुए नजर आ जाएं, और अगर उमरान मलिक कल के मुकाबले में खेलते हैं तो युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव में से किसी एक को बाहर कर रास्ता दिखाया जा सकता है। दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उमरान मलिक आपको कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि उमरान मलिक आपको कल के मुकाबले में खेलते हुए क्यों नजर आ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि दूसरा T20I मुकाबला लखनऊ में था और लखनऊ की जो विकेट थी वो स्पिन फ्रेंडली थी, इसीलिए भारत 3 स्पिनर्स के साथ इस मुकाबले में उतरा था और भारत ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया था और ज़्यादातर जो विकेट थे वो स्पिनर्स ने ही निकाले और स्पिनर्स का दबदबा था। लेकिन दोस्तों अब जो तीसरा और आखिरी T20I मुकाबला है ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, और अगर दोस्तों इस स्टेडियम की अगर पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर फास्ट बॉलिंग का दबदबा रहा है, पेसर्स का दबदबा रहा है, और 70% जो विकेट हैं वो यहाँ पर पेसर्स ने निकाले हैं और 30% जो विकेट हैं वो यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो दोस्तों इसी आंकड़े को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या चाहेंगे कि उमरान मलिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए और किसी एक स्पिनर को बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 स्पिनर्स खेल रहे थे पिछले मुकाबले में टीम इंडिया में, तो युजवेंद्र चहल या कुलदीप यादव, इसमें से कोई एक स्पिनर्स बाहर जा सकता है तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले के लिए, और उमरान मलिक आपको कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक को खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों एक और कंफ्यूजन चल रही है पृथ्वी शो को लेकर, मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी जो लगातार 2 मुकाबले से फ्लॉप रहे हैं उनकी जगह पर कल पृथ्वी शो को मौका मिल सकता है, और पृथ्वी शो और सुमन गिल ओपन करेंगे और यहां पर तीसरे नंबर पर आपके ईशान किशन बैटिंग करेंगे। क्या लगता है आपको क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।